हे गाइस, तो आजकल की इतनी महंगाई वाली सब्जियों में क्या सब्जी बनाई जाए ऐसे जो फटाफट से टिफ़िन में भी हम दे सकें और नाश्ते वगैरह में भी खा सकें। तो हम बनाएंगे यहाँ पे आलू मटर की सब्जी, वो भी बहुत ही इजी स्टाइल में। तो आलू लीजिए, उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि सब्जी है ना बहुत जल्दी पक जाती है। तेल गरम किया हमने कढ़ाई में और उसमें डाला ढेर सारा जीरा। मैं यहाँ पे प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, बहुत महंगे हो गए हैं। तो उसके साथ हमने डाल दिए आलू और इसको थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसमें भून लेंगे। फिर डाल दीजिए हरी मिर्च, थोड़ी लंबी कट करके डाली है स्वाद के अनुसार। और उसके बाद आधी कप हमने डाला है यहाँ पे मटर। मैं यहाँ पे फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पैकेट लाइए, फ्रीज़र में डाल दीजिए और जब मन करे ना यूज़ करिए। फिर डाल दीजिए नमक स्वाद के अनुसार, आधी छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पे हल्दी, और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मैगी मसाला। तो मैं ये डाल रही हूँ, आप सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं और कोई भी मसाला इसके अंदर नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो क्या करना है, इसे ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। और क्योंकि सब्ज़ियाँ जो है मटर वो फ्रोज़न है, और आलू भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, तो बहुत जल्दी पक जाती है। पानी वगैरह इसके अंदर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। झटपट जब आपको सब्ज़ी बनानी हो ना, तो आप इस तरीके की पका सकते हैं। और फिर बीच में आप चेक करिए कि जो आलू के पीसेस हैं या जो मटर है, अगर आप उसको ऐसे करछी से कट करेंगे और वो कट रहा है ना, तो इसका मतलब आपकी सब्ज़ी पक चुकी है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। और बच्चों को भी दे सकते हैं आप टिफ़िन वगैरह में, लंच बॉक्स वगैरह में। तो बस फिर से उसके बाद थोड़ा सा ढक्कन और लगा दीजिए, और 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे और रखेंगे। तब तक हमारी सब्ज़ी है ना बिल्कुल एकदम क्रंची सी, बहुत यमी सी सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं, आप आलू को ना इस तरीके से प्रेस करिए, और अगर इजीली कट रहा है तो इसका मतलब सब्ज़ी बन गई है। तो बस हमारी जो झटपट वाली सस्ती जुगाड़ू सब्जी है बनके रेडी है। ऊपर से गार्निश कर दीजिए हरे धनिए के साथ, और गैस की फ्लेम कर दीजिए बंद। तो बस बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।